गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका अध्ययन करेंगे. आज मैं बताऊंगी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जाता है, उसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स बताऊंगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को. सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. संसार में पाया जाने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है. कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पूरा समान नहीं होता है. यहाँ तक कि जो ट्विन्स चिल्ड्रंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ अंतर होता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो अंतर होता है दो व्यक्तियों के बीच में, इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं. क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. एज ए टीचर जब आप क्लास में जाते हैं तो भांति भांति के बच्चे आपके क्लास में आते हैं, तो आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज ए टीचर. उसके बाद हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. तो डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन हम एक रेवर ने जो दिया था 1985 में रेवर के द्वारा दिया गया था, वो डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. रेवर ने दिया था, रेवर ने कहा था 1985 में, इंडिविजुअल डिफरेंस एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए नाम दिया जाता है जिसके कारण दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाए जाते हैं. मतलब कि दो व्यक्ति अलग होते हुए दिखाए जाते हैं, यानी समाज में दो व्यक्ति जो पाए जा रहे हैं. मान लीजिए एक समाज है, उसमें राम है और श्याम है, तो राम श्याम से अलग है. तो दोनों व्यक्ति में जो अंतर पाया जाएगा उस मनोवैज्ञानिक घटना को, उस साइकोलॉजिकल फेनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं. टायलर ने भी इसी तरह की परिभाषा दी थी. टायलर ने जो अपना परिभाषा दिया था उसमें उन्होंने अपने बताया था कि एक सार्वभौमिक घटना है, यूनिवर्सल फेनोमेना है, जिसके अंतर्गत दो व्यक्ति अलग होते हुए दिखाए जाते हैं. तो ये डेफिनेशन लगभग सेम है. हम सीधे सीधे ले सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर. दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर है उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है समाज में वो मनोवैज्ञानिक गुण और शारीरिक गुण होता है. जो मेंटल एबिलिटीज़ होता है और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ होता है उसके आधार पर क्लियर दिखता है. जैसे कि राम श्याम से लंबा है तो ये शारीरिक है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है राम लंबा है और श्याम छोटा है. और मानसिक गुण के आधार पे, जैसे कि सीता गीता से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो आईक्यू लेवल या मेंटल एबिलिटीज़ के हम बेस पे बोल सकते हैं कि सीता जो होती है वो गीता से ज़्यादा बुद्धिमान है. लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है जिसका हम अध्ययन करेंगे. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पे. टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया. पहला है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोलते हैं. इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस और इंटरनल. इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है, इंट्रा मतलब एक व्यक्ति के बीच की विभिन्नताएं. जैसे मान लीजिए राम है, तो राम के अंदर अपनी विभिन्नताएं होंगी. राम किसी चीज को लिख कर बता सकता है, लेकिन वही उसको बोला जाए कि स्पीच के रूप में जाके भाषण दीजिए तो भाषण नहीं देगा. लेकिन उसको लिख के बोलिएगा कि ऐसे को लिख लीजिए, राम आप चलिए महिला शिक्षा पर आप क्या कीजिए, एक स्पीच बोलिए, तो वो महिला शिक्षा पर स्पीच नहीं बोल पाएगा. लेकिन महिला शिक्षा पर जब उसको बोला जाएगा लिखने के लिए तो वो तुरंत लिख देगा. तो ये उसके अंदर की विभिन्नताएँ हैं, वो उस चीज़ को लिख के शो कर सकता है लेकिन बोल के शो नहीं कर सकता है. तो उस तरह के अंतर को इंटरनल या इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, जो व्यक्ति के अंदर की विभिन्नताएं होती हैं. दूसरा होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेंस. इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है, इंटरनल इंडिविजुअल मतलब दो व्यक्ति के बीच, जैसे कि राम श्याम से लंबा है, जो पहले हम आपको उदाहरण दे चुके हैं, दो व्यक्ति समाज में पाए जा रहे हैं, तो दो व्यक्ति के बीच का अंतर जो हो गया वो आपका इंटर हो गया. तो ये एक व्यक्ति के बीच का अंतर हो गया और ये दो व्यक्ति के बीच का अंतर हो गया, इंट्रा और इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेंस. अब हम चलते हैं
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बहुत सारे लोगों के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक दिए गए थे इंडिविजुअल डिफरेंस का. एक्चुअली हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो ऑल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा. तो स्किनर के द्वारा दिया गया था कैरेक्टरिस्टिक की कुछ